नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। किसानों ने राजस्थान बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने बचाई जान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राज्य के बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वे राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मिजोरम यूथ कांग्रेस कमेटी की MNF से मांग, NED से निकले बाहर। अपने बयान में मिजोरम प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी ने MNF पार्टी से NED से बाहर निकलने की मांग की है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को असम के सीमा विवादों के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब गोवा विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से राज्य में एक भी मौत नहीं हुई। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई। हालांकि 2 महीने पहले उन्होंने मौत की बात स्वीकार की थी। 3 दिवसीय जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पेगासस मामले पर सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद 3 दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात कई दलों के नेताओं से होने की संभावना है। दौरे के पहले दिन जम्मू पहुंचे आजाद ने पेगासस मामले पर सरकार को घेरा। अगली खबर भी जम्मू से है। कुलगाम के तनवीर ने IES 2020 में हासिल की दूसरी रैंक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी बधाई। कुलगाम के तनवीर अहमद ने IES 2020 में दूसरी रैंक हासिल की है। ऐसा करने वाला वह जम्मू कश्मीर का पहला छात्र है। उपराज्यपाल सिन्हा ने तनवीर को बधाई देते हुए कहा कि इससे दूसरे युवा भी प्रेरित होंगे। एक बार फिर रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। ED और टेरर फंडिंग मामले में NIA की जम्मू कश्मीर में छापेमारी जारी। कई जरूरी सामान की बरामद। NIA यह जानना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के कौन से लोग इनको फंडिंग कर रहे थे और कौन से लोग इन लोगों की पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे। सुरक्षा बलों को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले में शामिल जैश का आतंकी अबू सैफुल्ला ढेर। दूसरे आतंकवादी की पहचान के ब्यौरे का इंतजार। सुरक्षा बलों ने इस साल जनवरी से कश्मीर में कुछ शीर्ष कमांडरों सहित कम से कम 87 आतंकवादियों को मार गिराया है। केजरीवाल सरकार खिलाड़ी में बनवा रही है नया अस्पताल। 8 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार स्वास्थ्य ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही नए अस्पताल भी बनवाए जा रहे हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने जम्मू पूंछ हाईवे पर ED को किया निष्क्रिय। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों तक हथियार और असला पहुंचाने के लिए पाकिस्तान लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। IPS प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत में बोले PM मोदी, वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती, सरकार उठा रही कई कदम। PM मोदी ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इनसे अपराध को थानों, जिलों और राज्य की सीमा से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। विजिटर्स के लिए कल से खुल जाएगा दिल्ली का चिड़ियाघर। आज से कराएं ऑनलाइन बुकिंग। चिड़ियाघर कल से 2 शिफ्टों में खोला जाएगा और इस दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगी। पंजाब में BSF को मिली बड़ी कामयाबी। फिरोजपुर बॉर्डर पर पाकिस्तान के 2 घुसपैठिए ढेर। ये घुसपैठिए ऐसे वक्त मारे गए जब पिछले कई दिनों से पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही है। बॉर्डर पर तस्कर काफी सक्रिय हैं। MP में 6ठी कक्षा के छात्र ने ऑनलाइन गेम में 40,000 गंवाने के बाद कर ली आत्महत्या। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक 13 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किशोर ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपये हार गया था, जिससे वह डिप्रेशन में चला गया था। राहुल गांधी ने COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज ली, इसलिए 2 दिन संसद की कार्यवाही में नहीं लिया हिस्सा। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से उन्होंने गुरुवार और शुक्रवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 41,649 नए केस, 593 लोगों की मौत। देश में कल 37,291 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,07,81,263 हो गई है। वहीं अब देश में एक्टिव केस घटकर 48,920 हो गए। 99.96% रहा दिल्ली सरकार के स्कूलों का 12वीं का रिजल्ट। केजरीवाल बोली ऐतिहासिक है। 2021 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत 99.96% रहा है। साल 2020 में 97.92% छात्र उत्तीर्ण हुए थे और 2019 में 94.24% और 2018 में 90.64% छात्र उत्तीर्ण हुए थे।
दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा 7 लाख का इनामी बदमाश। यूपी के सहारनपुर से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जेठड़ी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर काला जेठड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। उस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली में ट्रेन से आप लुचीन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।